हे गाइस ये जो ब्लॉग्स है ना वो स्पेशली संडे का है कि मैं संडे का दिन कैसे जाता है। सो 11 बजे मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया है, आज संडे ना और अभी आने वाली है तो घर में चिप्स पकड़ के तैयारी हो रही है, मम्मी पापा वही बना रहे हैं तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करूंगी। उसके बाद पूरे हफ्ते में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं स्किन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती, स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है तो आज मैं देखूंगी कि स्किन पर थोड़ा सा ध्यान दे लूँ। देखो मुझे, मैं संडे में भी काम कर रही हूँ। फाइनली मैंने भाभी और मम्मी की तो हेल्प करवा दिया क्योंकि वो चिप्स बना रही थी, तो मैंने उनकी सारी चिप्स फैला दी कर जैसे कि वो मैसअप ना हो जाए। सो फाइनली अब बारी है क्योंकि मैं अपने स्किन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती तो इसके बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है, मेरे फेस पर ब्लैक हेड्स और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती जा रही है। सो मैं उनको भी सोच रही हूँ कि धीरे धीरे वो भी रिपेयर हो जाए। मैं इस पर पानी रखा हूँ जैसे कि मैं स्टीम दे सकूँ। स्टीम देने के बाद मैं सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लींस करूँगी, उसके बाद मैं स्टीम लूँगी, उसके बाद मैं स्क्रब करूँगी, उसके बाद मैं पील ऑफ मास्क लगाऊंगी, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैं बाथ लेने जाऊंगी। Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here. So, अभी मैंने स्टीम और स्क्रब ही किया है तो कितना क्लियर दिखा है मेरा पील ऑफ मास्क। मैं अभी एक मास्क यूज कर रही हूँ, ठीक क्लियर लगा लूंगी। मैंने पील ऑफ मास्क लगा लिया है, आप देख सकते हो। सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो अपने आईज एरिया से बहुत दूर लगाना। अगर आपको ये इसे लगाने के बाद इचिंग होती है ना तो आप इसे बिल्कुल भी मत लगाना क्योंकि इचिंग का मतलब आपकी स्किन रूटीन को भी सूट नहीं कर रहा। स्किन रूटीन फॉलो किया ना, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं 1 वीक में 2 बार अप्लाई जरूर करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं 1 हफ्ते में 1 बार जरूर ट्राई करती हूँ। मैं हर संडे में ये रूटीन तो जरूर। मेरी स्किन आप देख सकते हो पहले से कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्किन ग्लोइंग हो रही है। 2 बजे हैं तो फाइनली मेरे स्किन का जो सेशन था वो घर पे मैंने सारा खत्म कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो नहाने के बाद मिलते हैं। सो 3 बजे हैं तो मैं नहा ली हूँ। सो आज मेरे में इलेक्ट्रॉनिक का काम भी चल रहा है क्योंकि एलईडी है ना। तो सो ये मेरा रूम है, सो यहाँ मैं बैठ के ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड भी लगवाया हुआ है। पर हमने एलईडी फिक्स करवा लिया है और इसके बराबर में ही आज ही मैंने बोर्ड फिक्स करवाया है। सो 5:30 बज रहे हैं, 2 घंटे मैंने आराम किया था। अब मैं अपना फाइनली हेयर कट करवाने वाली हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। सो हेयर कट करवाने के बाद मिलते हैं गाइस। इस वॉल पर और इस वॉल पर फाइनली अगले संडे हम मैं और भाभी हम दोनों मिलकर वॉल पेपर स्टिक करेंगे क्योंकि अभी फाइनली पेंट नहीं हो रहा और मुझे ना ये प्लेन वाली वॉल बिल्कुल अच्छी लगती है और मुझे यूट्यूब की वीडियो भी बनानी पड़ती है और बार बार बैकग्राउंड को डेकोरेट कर और फिर वापस सही करके रखना पड़ता है क्योंकि पापा को लाइट वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मैं इस वॉल पर उस वॉल पर पूरी वॉल को वॉल पेपर से स्टिक कर दूँगी जिससे कि यूट्यूब की वीडियो को बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे इंस्टाग्राम की रील्स भी आराम से शूट हो जाए। सो फाइनली ये था मेरा आज का ब्लॉग्स।